कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के दुष्कर्म के बाद कत्ल के मामले में पूरे देश में गुस्सा उबाल पर है। सीमांचल के कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, आरा समेत अन्य जिलों में महिलाएं हाथों में कैंडल लेकर विरोध में सड़कों पर उतर गईं और सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकाल कोलकाता में हुई ट्रेनी डॉक्टर की जघन्य हत्या का विरोध प्रकट किया। इस मौके पर चिकित्सकों ने सरकार से प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। कटिहार में भी महिलाओं ने जुलूस निकाला, नारे और प्रदर्शन किए। इस मौके पर बीजेपी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष रीना झा ने घटना को निंदनीय बताया। जितनी भी निंदा की जाए बहुत कम है। हम सब की यही मांग है कि इस घटना के जो भी आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और ऐसी सजा दी जाए कोई ऐसा घटना करने का हिम्मत। जी हाँ, बीते दिनों जो कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ जो हादसा हुई है, इतने बेरहमी तरीके से उनका बलात्कार करके जो उनको मारा गया है, इसकी हम लोग कड़ी निंदा कर रहे हैं और इसी के लिए आज हम लोग जो यहाँ पे कैंडल मार्च निकाले हैं और उनको हम लोग यही चाह रहे हैं कि उनको जो जस्टिस मिले और आइंदा से अपराधी को ऐसा दंड मिले जो कि आइंदा से इस घटना को करने में एक बार लोग सोचे, उनका रोह जो है कांपे कि हाँ इस तरह के हम लोग करें कि ना करें। और हम लोग बंगाल सरकार से पूछ रहे हैं कि बंगाल सरकार क्यों सो रही है, क्यों नहीं जवाब दे रही है इस चीज़ की और इस घटना का वो लोग क्यों पर्दा डाल रही है इस पे और करे अपराधी को कड़ा से कड़ा सजा क्यों नहीं दे रही है। इस चीज़ का हम लोगों को जवाब चाहिए और हम लोग बंगाल सरकार से बोल रहे हैं, आपसे नहीं संभाल पा रहा है राज तो आप इस्तीफा दे दीजिए, आप मुख्यमंत्री के लायक है भी नहीं। एक महिला होकर के एक महिला को आप सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती है, एक बच्ची को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती है, तो आपको कोई अधिकार नहीं है मुख्यमंत्री बने रहने के लिए। वहीं कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में दुष्कर्म के बाद हुई डॉक्टर की हत्या के विरोध में आरा के अस्पतालों में भी हड़ताल जारी है। बता दें कि अस्पताल में ओपीडी बाधित है, मरीज का इलाज नहीं होने से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूर दूर से आए मरीज बिना इलाज कराए वापस लौटने को मजबूर हैं। नहीं, हमारे सदर अस्पताल में हमारे चिकित्सक, हड्डी के हम सर्जन, सारे विभाग के डॉक्टर हैं, हम लोग ने राउंड ले लिया, इंदौर का इलाज मैं कर रहा हूँ। इमरजेंसी सेवा ठप नहीं है, सबका इलाज होगा। लेकिन चूंकि हमारे देश में आप लोग को विदित है कि पिछले दिनों कलकत्ता में जो घटना हुई है मानवता को शर्मसार करने वाले, जो हम लोग गर्व करते हैं कि हमारी बेटियां आगे बढ़ेगी, हमारी बेटी पढ़ेगी, आज शर्म करने वाली घटना हमारे देश के सामने हुआ, फिर भी गवर्नमेंट के द्वारा कहीं कोई इनिशिएटिव स्टेप नहीं लिया गया है। हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी के सारे लोग, या तो हमारी नर्सेज सिस्टर हैं या डॉक्टर्स हो या कर्मचारी हो पैरामेडिकल्स, वो सभी डरे हुए हैं कि कैसे हम लोग, जब खुद हमारा जान असुरक्षित है तो मैं किसी और का जान कैसे सुरक्षित प्रदान। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि किसी तरह भी हम लोग को प्रोटेक्शन दें और ऐसा एक्ट पास करें कि जो इस टाइप का जो गुंडागर्दी करते हैं उनको एक सबक मिले, उनमें डर व्याप्त। कल देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ये पहले भी ऐसा था कि FIR करना, लेकिन आप जगह पे आके देखिए ना, ऑन ग्राउंड पे कभी कोई FIR नहीं होती, इंडिविजुअल लड़ना होता है। हमारे डॉक्टर पढ़े लिखे एक कमजोर वर्ग हैं, उनको तरह तरह के बाद में घटना के बाद में आके उनको धमकी दी जाती है, बेचारे केस वापस फिर दोबारा उसी टाइप की घटना होती है। ठीक, सरकार को भी घटना पता है। काल में हम लोग ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है, आप लोग इससे भलीभांति परिचित हैं। हम लोग ने परसों तरसों भी एक बार हड़ताल किया था लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हो पा रही है, इसलिए आज OPD बंद रखा गया है। इमरजेंसी चालू है, देख रहे होंगे हमारे सभी सीनियर डॉक्टर्स लेके जूनियर डॉक्टर सभी उपलब्ध हैं और इमरजेंसी सेवा चालू है, बाधित नहीं है। जो भी पेशेंट आ रहे हैं उनको देखा जा रहा है, लेकिन OPD पूर्ण रूप से बंद किया गया है। अगर आगे भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग के संगठन जो निर्णय लेगा हम लोग उस पर अटल रहेंगे। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जघन्य घटना ने पूरे देश को झकझोर डाला है। भारतीय चिकित्सा संघ ने इस घटना के खिलाफ देशव्यापी 24 घंटे की हड़ताल शुरू कर दी है। इस दौरान पूरे देश में चिकित्सक अपनी सेवाएं ठप रखेंगे, जिसका खामियाजा बीमार मरीज और परिजन भुगतने को मजबूर हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार इस जघन्य कृत्य के लिए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। पंजाब केसरी TV के लिए कटिहार से रजनीश कुमार और आरा से राकेश कुमार की रिपोर्ट।